वो दरअसल मैं कुछ चाहता था। क्या चाहते थे आप? वो दरअसल मैं चाहता था कि हमारी जैस्मिन की शादी रवि से हो जाए। क्या आप पागल तो नहीं हो गए? आपको रवि में इतनी गुण दिखी? जैस्मिन के लिए रिश्ता आ चुका है और ये बात बाहर हो भी चुकी है, तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये शादी नहीं हो सकती। मैं कभी शादी के लिए मना नहीं करता अगर ये शादी रवि से हो रही होती, पर मुझे एना राय मुंडा ही चाहिए अपनी जैस्मिन के लिए। पर क्या करोगे तुम एना राय लेकर? आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो मत समझिए। और ये शादी आपकी रजामंदी के साथ ही होगी। मतलब आपको समझ में नहीं आया? ये शादी आपकी रजामंदी के साथ होगी और आप इसके इस फैसले में मेरा साथ दोगे। क्यों? क्योंकि मुझे परमीत पसंद है। तुमने परमीत को एक बार भी देखा है? उसके साथ बात किया है? जिस लड़के के साथ हमारी बानी, आपको कितनी बार कहा है बानी उसका बचपना था, अब वो बानी नहीं रही, वो जैस्मिन बन चुकी है। देखिए, मैं पहले ही आपको कह रही हूँ, उसे बानी मत बुलाइएगा। और शादी होगी तो आपकी रजामंदी के साथ। मैं तब तक मुंह को अन का दाना नहीं लगाऊंगी जब तक आप इस शादी के लिए हाँ नहीं करते। हाँ तो मैं भी कुछ खाऊंगा पीऊंगा, ठीक है? तो फिर यही होगा। हाँ, अरे सुनियो ना, उठो। क्या हो गया? फोटो आ गई है। वो ना सुखमन पहन जी देकर गए हैं। ये देखिए कैसी है फोटो। अरे पर मुंडा तो बड़ा चंगा है, मैं जाके उनको दिखा कर आता हूँ। हाँ जी जाइए। अरे पाजी उठिए, क्या हुआ? इस बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी। कमाल है, पाजी को क्या हो गया? पापी जी। हाँ जी बोलो। ओ कोई गल नहीं, कुछ भी बोल सकते आप मैनू। अच्छा ठीक है पापी जी, आ देखो मुंडे का फोटो। कहीं नज़र ना लगे दी, बड़ा ही चंगा फोटो है। अच्छा एक काम कर दिया मैंने ना, संभाल के रख दें दिया। सुबह उठकर सारियां भी खा दवाँगी, जैसी इच्छा आपकी। अच्छा ठीक है, आप भी जाइए सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। हाँ जी आप सोइए। जी चलो मैं चलता हूँ। कैसे हाँ कर सकते इस शादी के लिए? मुझे पता है तो इस शादी से खुश नहीं रहना। जब मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही तो तुझे क्यों हो रही है? पर तू समझना मेरी बात को। अब देख, जब तक तू अपने पसंद का मुंडा नहीं ढूंढ लेती, एक गारंटी क्या है कि तुझे वो मुंडा पसंद आएगा? मुझे अपने मम्मी जी पापा जी की खुशी में ही अपनी खुशी नज़र आती है। मैं चाहती हूँ इतने सालों से हम दोनों के बीच में जो दरार आ रही है ना, वो मिट जाए। हाँ याद है मुझे अभी तक भी वो बातें। तुझे तो पता है ना तब क्या हुआ था। हाँ इसी वजह से पापा जी ने मेरी, अरे मैं भी सो जाती हूँ, क्या करूँ की चक्कर। अरे मैंने उन्हें दिखा दी, उन्हें पसंद भी आ गई मुंडी। ओ आओ बेटा, बड़ा मजाक करते हो। हाँ हाँ मुंडा पसंद भी आ गया। अच्छा ठीक है, तो हम सुबह उठ के इस बारे में बात करेंगे, अभी सो जाते हैं। हाँ सही कहा तुमने, ठीक है चलो सो जाते हैं। हाँ जी। अरे बच्चे भी ना कितनी रात को खेल रहे हैं। ये भी ना बच्चे तो हर टाइम खेलते रहते हैं। ओहो
ये बूट देखो कितने टाइट हो गए, खोलने में बड़ी मुश्किल हो रही है मेरे को। चलो बैठ के खोलता हूँ। ओफो, चलो ऐसे ही सो जाता हूँ।